हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी को यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस एंड NICL के AO और असिस्टेंट एग्जाम 2024 के लिए कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूं। आज का हमारा टॉपिक है एमएस ऑफिस से रिलेटेड जितने भी आपके बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के एग्जाम होते हैं उन सभी में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज मैं आपको जितने भी क्वेश्चन करवाने वाला हूं इनमें से भी आपके एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और अगर आप आज के इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल करवा दूंगा, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप आने वाले आरआरबी पीओ एंड क्लर्क 2024 एग्जाम के लिए कंप्यूटर का मेरा कंप्लीट पैकेज लेना चाहते हो, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर थ्योरी के रूप में मिलेगा, इसके अलावा आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, पीडीएफ नोट्स एंड ईबुक्स दिए जाएंगे, और साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल करवाया जाएगा। तो इसके लिए आप मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना एग्जाम गुरु का, और वहां पर आपको कंप्यूटर का बैच 299 में कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा। एप्लीकेशन डाउनलोड करने का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, प्लस वहां पर मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरीज है तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकती हो। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो अब स्टार्ट करें। ये देखिए, आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड मिनिमम एंड मैक्सिमम जूम साइज इन MS Office। एमएस ऑफिस में जो मिनिमम एंड मैक्सिमम जूम की साइज है वो कितना होता है। यह आपका डिफरेंट होता है एमएस वर्ड के लिए, एमएस पावर पॉइंट के लिए। तो यहां पर बात की जा रही है एमएस ऑफिस में, ठीक है ना। एमएस ऑफिस में आपकी जो मिनिमम एंड मैक्सिमम जूमिंग कैपेसिटी है वो कितना है, वो है आपका मिनिमम 10 और मैक्सिमम 500% तक का। दैट मीन्स कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दूसरा नंबर। टू सेंटर अ पैराग्राफ यूजिंग शॉर्टकट कीज प्रेस डैश। अगर आप किसी भी पैराग्राफ को सेंटर में लाना चाहते हो तो इसके लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज करोगे, Ctrl+C, Ctrl+E, Ctrl+L या फिर Ctrl+R। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, Ctrl+E का हम लोग यूज करते हैं किसी भी पैराग्राफ को सेंटर में लाने के लिए। फिर इसके बाद Ctrl+L का यूज करते हैं लेफ्ट अलाइन के लिए, उसी प्रकार से Ctrl+R का यूज करते हैं राइट अलाइन के लिए, और Ctrl+C का यूज करते हैं किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट वगैरह को कॉपी करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। टू डिलीट एन इनकरेक्ट कैरेक्टर इन अ डॉक्यूमेंट डैश टू इरेज टू द राइट ऑफ द इंसर्शन पॉइंट। देखिए, मान लो आपने लिखा यहां पर कोई भी एक शब्द, मैं यहां पर बिल्कुल आपको लाइव एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूं, और आपका जो कर्सर है ना वो अभी यहां पर है कंप्यूटर का। अगर आप इसके राइट साइड वाले लेटर को डिलीट करना चाहते हो तो इसके लिए क्या यूज करोगे। दोस्तों, इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा डिलीट की को, ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। जैसे ही आप डिलीट की के यूज करोगे तो सबसे पहले ए डिलीट हो जाएगा, फिर इसके बाद आपका कर्सर यहां पर आ जाएगा, और फिर से डिलीट का यूज करोगे तो आपका वी डिलीट होगा। लेकिन वही मान लो आपका कर्सर यहां पर है, और अगर आप इसके लेफ्ट साइड वाले जितने भी आपके लेटर हैं उन्हें डिलीट करना चाहते हो तब आपको बैक स्पेस का यूज करना पड़ेगा। तो एग्जाम में अगर राइट साइड पूछ रहा है तब आपको डिलीट की आंसर करना है, और अगर लेफ्ट साइड पूछ रहा है तब आपको बैक स्पेस का यूज करना होगा। फिर इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। इन एमएस वर्ड अ स्पेलिंग चेक इज फीचर अवेलेबल इन विच टैब। एमएस ऑफिस में आपका जो एमएस वर्ड होता है ना, वहां पर स्पेलिंग चेक का फीचर कहां पर आपको अवेलेबल मिलेगा, तो ये अवेलेबल मिलेगा दोस्तों रिव्यू टैब में। फोर्थ क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। रिव्यू पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कि जो भी आपने टाइप किया है उसका स्पेलिंग एंड ग्रामर वगैरह करेक्ट है या फिर यहां पर नहीं है। फिर इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉन्ट स्टाइल। आपको बताना है कि इनमें से कौन एक फॉन्ट का स्टाइल नहीं है। ऑप्शंस में है बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर या फिर सुपर स्क्रिप्ट। तो बोल्ड क्या होता है, आपने कोई भी लेटर टाइप कर रखा है ना, अगर आप इसे इस प्रकार से बोल्ड करना चाहते हो यानी कि डार्क करना चाहते हो तो बोल्ड का यूज किया जाता है। इटैलिक में क्या होगा, मान लो आपने एस लिखा हुआ ना, इसका इटैलिक फॉर्म में से आपका तिरछे हो जाएगा। और रेगुलर आपका क्या होता है, जो आपके नॉर्मल फॉन्ट टाइप किए गए हों। तो ये तीनों के तीनों आपके फॉन्ट के स्टाइल हैं, लेकिन सुपर स्क्रिप्ट जैसा कोई भी फॉन्ट स्टाइल आपका नहीं होता। तो फिफ्थ क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। इसके बाद सिक्स क्वेश्चन है, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर। देखिए, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है, ये आपके पेज के ओरिएंटेशन होते हैं। पेज आपका इन दोनों में से किस व्यू में दिखना चाहिए, ये आपका आता है पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप व्यू में। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सात नंबर। टू इंक्रीज द लाइन स्पेसिंग यूज द डैश शॉर्टकट कीज। मान लो आपने एक लाइन यहां पर लिखा, एक लाइन यहां पर लिखा है, इन दोनों के बीच में जो आपका स्पेस होता है ना, इसे भी आप इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हो।
तो इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए, ठीक है ना, यहाँ पर इंक्रीज की बात की जा रही है। अगर आप इसे इंक्रीज करना चाहते हो तब आपको शॉर्टकट की यूज करना पड़ेगा कंट्रोल प्लस 5 का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, टू मूव टू द बॉटम ऑफ अ डॉक्यूमेंट वाइल वर्किंग ऑन एमएस वर्ड विच कमांड इज यूज्ड। अगर आप जिस भी डॉक्यूमेंट में वर्क कर रहे हो उसके बॉटम पर मूव करना चाहते हो तो आपको कौन सा कमांड यूज करना पड़ेगा। इस कंडीशन में दोस्तों अगर आप कंट्रोल प्लस पेज डाउन वाले की को प्रेस करते हो, ठीक है, कंट्रोल प्लस इस प्रकार से जो एरो बना होता है पेज डाउन का, अगर आप इसे क्लिक करते हो या फिर पेज डाउन का आपका एक बटन भी दिया रहता है बिल्कुल लेफ्ट साइड में, उस पर क्लिक करते हो तब आप अपने डॉक्यूमेंट के सबसे बॉटम में आ जाओगी। इसके अलावा अगर आप होम की का यूज करते हो तब आप बिल्कुल क्या हो जाओगे, डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में चले जाओगे। और अगर आप किसी भी लाइन के लास्ट वाले पहुंचना चाहते हो, ठीक है, लास्ट लाइन में, तब आपको कंट्रोल प्लस एंड का यूज करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट के लास्ट में पहुंचने के लिए, कंट्रोल प्लस पेज डाउन का, और अगर लाइन के लास्ट में पहुंचना चाहते हो तो कंट्रोल प्लस एंड का यूज करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 9th नंबर है, टू ओपन अ न्यू फाइल इन एमएस वर्ड द शॉर्टकट की इज। अगर आप एमएस वर्ड में किसी भी नए फाइल को ओपन करना चाहते हो तो इसके लिए आपको शॉर्टकट की यूज करना पड़ेगा कंट्रोल प्लस एन का। कंट्रोल प्लस एक्स क्या है, कंट्रोल प्लस वाई आपका हो गया अंडू यहां पर, ठीक है, कंट्रोल प्लस बी आपको मैंने बोल्ड बता दिया, और कंट्रोल प्लस एक्स आपका कट का होता है शॉर्टकट की। इसके बाद नेक्स्ट है, वर्ड हैज अ लिस्ट ऑफ प्रीडिफाइंड टाइपिंग स्पेलिंग कैपिटलाइजेशन एंड ग्रामर इरर्स दैट डैश कैन डिफेक्ट एंड करेक्ट। देखिए जो वर्ड है ना उसमें आपके प्रीडिफाइंड बहुत सारे टाइपिंग फॉन्ट्स वगैरह होते हैं, स्पेलिंग एंड आपके ग्रामर फिल की होती है, ये सारे के सारे जो इरर है वो आपका कहां पर करेक्ट होगा, तो ये आपके आ जाएंगे ऑटो करेक्ट के ऑप्शंस में। इसके बाद 11th क्वेश्चन है, द एक्सटेंशन ऑफ सेव्ड फाइल इन एमएस एक्सेल इज। एमएस एक्सेल के अगर आप किसी भी फाइल को सेव करते हो तो इसके लिए आपको एक्सटेंशन क्या लगेगा, .xlx का। जो भी आप फाइल देखोगे, सपोज आपने एक फाइल सेव किया, ठीक है, rrvpo के नाम से, तो यहां पर आपका xls लगा हुआ रहेगा, तो आप समझ जाना कि ये आपका एमएस एक्सेल का फाइल है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, इन एक्सेल द इंटरसेक्शन ऑफ अ कॉलम एंड रो इज कॉल्ड। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन 2023 में ऑलरेडी रिपीट हो चुका है, अब मुझे याद नहीं है कि आरआरबी के एग्जाम में आया था या फिर आईडीबीआई के, लेकिन देखिए जो आपके रो एंड कॉलम का इंटरसेक्शन होता है, ठीक है, रो और कॉलम का जो इंटरसेक्शन बनता है ना, ये आपका कहलाएगा सेल, तो ये ऑप्शन 12th नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग विल यू यूज एज एन ऑप्शन फॉर सेविंग अ फाइल। अगर आप किसी फाइल को सेव करना चाहते हो तो इसके लिए आप कौन से ऑप्शन को यूज करोगे। यहाँ पर यूज किया जाएगा सेव बटन ऑन अ स्टैंडर्ड टूल बार का, ये वाला बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद सेव ऑप्शन फ्रॉम फाइल मेनू, फाइल मेनू में जाओगे तो वहां पर भी आपको सेव करने का ऑप्शन दिखेगा, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और अगर आप शॉर्टकट की यूज करते हो कंट्रोल प्लस एस का, तब भी आप अपने फाइल को सेव कर पाओगे। यानी कि 13th क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ऑल ऑफ द एबव। इसके बाद अगला क्वेश्चन 14 नंबर है, इंसर्ट डेट फॉर्मेट पेज नंबर एंड इंसर्ट ऑटो टेक्स्ट आर बटन्स ऑन द डैश टूल बार। देखिए डेट इंसर्ट करने का या फिर पेज को फॉर्मेट करने का या फिर ऑटो टेक्स्ट को इंसर्ट करने का, ये सारे के सारे आपके जो बटन्स हैं ये आपको अवेलेबल कहां पर मिलते हैं, तो ये मिलेगा आपके फॉर्मेटिंग टूल बार में। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन 15 नंबर, द वर्कशीट कंटेंस डैश रोज। एक वर्कशीट में जो आपके ओल्ड वाले वर्कशीट होते हैं उसमें टोटल कितने रोज पाए जाते हैं, तो मैक्सिमम यहां पर जो रो पाया जाएगा दोस्तों उनकी संख्या है 65,536। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, द सेल रेफरेंस फ्रॉम अ रेंज ऑफ सेल्स दैट स्टार्ट्स इन सेल B1 एंड गोज ओवर टू कॉलम G एंड डाउन टू रो 10 ईच। देखिए इसे हम किस प्रकार से डिनोट करेंगे, कोई भी आपका जो सेल रेंज है वो B1 से स्टार्ट हो रहा है और G10 तक जा रहा है, तो इसे हम डिनोट करेंगे दोस्तों B1 कॉलम G10 से, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों ऐसा वाला क्वेश्चन आरआरबी में इस बार पूछा गया था सेल रेंज के द्वारा, वहां पर दिया गया था कि A1 से लेकर अगर A5 तक लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, तो इस प्रकार से आप सभी को इसे डिनोट करना होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 17 नंबर है, हाउ मेनी कैरेक्टर्स कैन बी टाइप्ड इन अ सिंगल सेल इन एक्सेल। एक जो आपका सेल होता है एक्सेल का उसमें कितने सिंगल टाइप्ड हम कैरेक्टर यहां पर लिख सकते हैं, तो इसमें जो आपके लिखने की कैपेसिटी है दोस्तों वो है 32,767। फिर इसके बाद 18th क्वेश्चन है, विच फंक्शन इन एक्सेल टेल्स हाउ मेनी न्यूमेरिक एंट्रीज आर देयर। अगर आप यह पता लगाना चाहते हो कि एक्सेल के किसी भी सेल वगैरह में
कितने आपके न्यूमेरिक एंट्रीज हैं टोटल। तो इसके लिए हम यूज करेंगे कौन सा यहाँ पर फॉर्मूला, काउंट फॉर्मूला का। काउंट का मतलब होता है गणना करना, इससे वो काउंट करके बताएगा कि टोटल कितने वहां पर आपकी एंट्रीज एंट्री की गई है। सम काम इसलिए किस लिए यूज करते हैं, अगर आपसे कहा जाए कि A1 और A5 सेल रेंज को यहाँ पर ऐड कीजिए, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सम फॉर्मूला का यूज करेंगे। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, स्पेशल इफेक्ट्स यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन आर कॉल्ड। अगर आप किसी भी प्रेजेंटेशन में कोई स्पेशल इफेक्ट देना चाहते हो ना, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये कहलाता है ट्रांजिशंस, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ट्रांजिशंस क्या है, जैसे मान लो आपने कोई एक डॉक्यूमेंट तैयार किया, पावर पॉइंट में स्लाइड तैयार किया, तो इसे अलग अलग इफेक्ट के थ्रू आप खोल सकते हो, इस इफेक्ट को यहां पर ट्रांजिशन नाम दिया जाता है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन 20 नंबर है, विच की ऑन द कीबोर्ड कैन बी यूज टू व्यू स्लाइड शो। अगर आप स्लाइड शो प्ले करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको कीबोर्ड पर कौन सा की यूज करना होगा। F1 की को प्रेस करते ही आपका स्लाइड शो स्टार्ट हो जाता है, F1 की यहां पर राइट आंसर है। और इसे एंड करना चाहते हो तब क्या प्रेस करोगे, तो अगर आपका कोई भी स्लाइड शो है, इसे एंड करने के लिए आपको एस्क की का यूज करना पड़ेगा, जो कि आपको लेफ्ट साइड में सबसे टॉप कॉर्नर पर कीबोर्ड में दिया रहता है। फिर इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है, द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स सच एज टाइटल एंड सब टाइटल टेक्स्ट पिक्चर्स टेबल्स इज कॉल्ड। एक ऐसा एलिमेंट का अरेंजमेंट जिसमें आपके टाइटल हो, सब टाइटल्स वगैरह हो, पिक्चर्स एंड टेबल इत्यादि हो, तो इसे हम नाम देते हैं दोस्तों लेआउट, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जैसे यहाँ पावर पॉइंट में कोई भी नया स्लाइड ऐड करना चाहोगे, तो आपको बहुत सारे लेआउट दिखेंगे, जैसे एक लेआउट में केवल वहां पर रहेगा आपका टाइटल, एक ऐसा लेआउट रहेगा जहां पर टाइटल है, यहां पर पिक्चर है, नीचे डिस्क्रिप्शन है, एक ऐसा भी लेआउट रह सकता है जो बिल्कुल ब्लैंक है, या फिर किसी लेआउट में आपके चार्ट वगैरह यहाँ पर दिए रहेंगे और ऊपर में आपका टाइटल रहेगा। तो सारे के सारे आपके जो एग्जाम्पल्स हैं ना, ये आपके लेआउट के ही एग्जाम्पल्स होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, द बॉक्सेस दैट आर डिस्प्लेड टू इंडिकेट द टेक्स्ट पिक्चर्स और ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड इन इट इज कॉल्ड। एक ऐसा बॉक्स जो डिस्प्ले करता है कि जो आपके टेक्स्ट पिक्चर्स एंड ऑब्जेक्ट्स वगैरह हैं वो इसमें रखे गए हैं, इस बॉक्स को कहते हैं प्लेस होल्डर बॉक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन 23 नंबर, अ फाइल दैट कंटेन्स डेफिनेशंस ऑफ द पैराग्राफ एंड कैरेक्टर स्टाइल्स फॉर योर डॉक्यूमेंट एंड ऑल थिंग्स यू कस्टमाइज्ड लाइक टूलबार्स एंड मेनूज इज कॉल्ड। एक ऐसा फाइल जो आपके पैराग्राफ एंड कैरेक्टर स्टाइल्स को कंटेन करता हो, यानी कि रखता हो, जो आपके डॉक्यूमेंट है उनसे रिलेटेड, और इसके अलावा आपको कस्टमाइजेशन का ऑप्शन देता हो, तो ये आपका दोस्तों जो कहलाएगा, इसे हम कहते हैं टेम्पलेट। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन 24 नंबर, क्लिक डैश चेकबॉक्स ऑफ ट्रांजिशंस इन अ स्लाइड ग्रुप ऑफ एन एनिमेशन टैब इफ यू वांट टू मूव अ स्लाइड ऑटोमेटिकली आफ्टर अ स्टिपुलेटेड टाइम। देखिए यहां पर कह रहा है कि किसी भी स्लाइड शो के आपने बना लिया, मान लो आपने 5 ऐसे स्लाइड शो बनाए हैं, और अगर आप इसे ऑटोमेटिक प्ले करना चाहते हो, यानी कि एक बार प्ले कर दिया फिर ऑटोमेटिक एक के बाद दूसरा स्लाइड आते रहे, तो इसके लिए हम कौन सा यहां पर टैब का यूज करेंगे या कौन सा चेकबॉक्स का यूज करेंगे। तो इसके लिए हम चेकबॉक्स यूज करेंगे दोस्तों ऑटोमेटिकली आफ्टर, जिसका मतलब होता है कि एक के बाद एक दूसरा स्लाइड आपका ऑटोमेटिक खुलते जाए, अदरवाइज मैनुअली आपको क्या करना पड़ता है। मान लो आपका एक स्लाइड चल रहा है, जैसे अभी आपके स्क्रीन के पर जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं, ये भी आपका पावर पॉइंट के स्लाइड में ही चल रहा है। अब मैं अगर अगले स्लाइड पर मूव करना चाहता हूं, तो यहां पर एक बार प्रेस करूंगा, प्रेस करने के साथ ही आपका नेक्स्ट स्लाइड ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर ऑटोमेटिक ओपन करना चाहता हूं, तो मैं एक टाइमर यहां पर सेट कर दूंगा कि हर एक 5 सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद, या फिर 1 मिनट के बाद मेरा ए वाला स्लाइड एंड होकर के नेक्स्ट स्लाइड ओपन हो जाए। तो ये वाला फीचर्स आपको ऑटोमेटिकली आफ्टर वाले चेकबॉक्स के थ्रू मिल सकता है। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग व्यूज इज प्रेजेंट इन पावर पॉइंट। देखिए यहां पर डॉक्यूमेंट व्यू है, स्लाइड सॉर्टर व्यू है, स्लाइड चेंजर व्यू है, और प्ले स्लाइड व्यू है। ये क्वेश्चन भी आपका 2023 में किसी IDBI या फिर RRB के एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो देखिए यहां पर आपका जो है ना स्लाइड सॉर्टर व्यू, ये एक ऐसा व्यू का टाइप है जो कि आपके पावर पॉइंट में अवेलेबल होता है। सो गाइज, इसी के साथ आज आपका 25 क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। इसका PDF मैं डाल दूंगा IBPS एग्जाम PDF पर, वहां से आप सभी लोग डाउनलोड कर लेना, आज रात में या फिर कल मॉर्निंग तक आपको इसका PDF देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा कंप्यूटर कोर्स अगर आप लेना चाहते हो तो परचेज कर लेना, इसका कैसे प्रोसेस है मैंने सारी चीज़ बता दिया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां पर आपको कंप्यूटर का कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा। तो गाइज फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और आगे भी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए एग्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें।